बाड़मेर के बालोतरा से बड़ी खबर इस बीच आ रही है, जहां पर रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। भाटी के खिलाफ पचपदरा थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई। तो आईपीसी की धारा 147, 186, 188, 283 के तहत मामला दर्ज हुआ है। रविंद्र सिंह भाटी सहित 32 लोगों पर नामजद एफआईआर। आपको बता दें कि 800 से 900 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। भाटी ने एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया था। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। और आपको बता दें कि 32 लोगों पर यह नामजद एफआईआर हुई है। 800 से 900 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। तो निर्दलीय प्रत्याशी, जहां त्रिकोणीय मुकाबला था, चुनाव संपूर्ण हुआ, लेकिन चुनाव के दरमियान ही रविंद्र सिंह भाटी ने तमाम आरोप लगाए थे। यहां तक कि प्रशासन के ऊपर भी आरोप इन्होंने लगाया था कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रही है, उनके कार्यकर्ताओं, उनके जो लोग हैं उनके साथ बदसलूकी की गई है, लेकिन उन्हीं को ही पुलिस पकड़ रही है, उन्हीं के साथ ही पुलिस न्याय नहीं कर रही है। इसको लेकर वो धरना प्रदर्शन अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ गए थे। साफ तौर पर कहा जा रहा था कि जब तक कार्रवाई और जिनके ऊपर नाम उन्होंने दर्ज कराए थे उसके पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, तब तक वो धरने से नहीं उठेंगे। लगातार समझाइश का दौर जारी था। प्रशासन ने उनको आश्वासन दिया कि एफआईआर दर्ज होगा, तमाम जो आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। रविंद्र सिंह भाटी ने अपने समर्थकों से बात की, अपने कार्यकर्ताओं से बात की, उसके बाद उन्होंने धरना प्रदर्शन खत्म किया। इस खबर पर संवाददाता प्रेमदान हमारे जुड़े हुए हैं। प्रेमदान, रविंद्र सिंह भाटी के साथ तमाम लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्या जानकारी देंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 27 तारीख को, क्योंकि 26 तारीख को बायतू में एक मतदान के दौरान कुछ लोगों के साथ में मारपीट होती है और उनको पुलिस ने हिरासत में रखा था, कुछ घायल लोग थे उनको हिरासत में रखा था, इसी आरोप को लेकर के कि पुलिस ने ना जुलमुल रहे हुए अपनाया, किसी का पक्ष लेते हुए और घायलों को इलाज नहीं करवाया, इसी को लेकर के भाटी ने प्रदर्शन किया था 27 तारीख को एसपी ऑफिस के बाहर। और वहां पर उस प्रदर्शन के दौरान, क्योंकि धारा 144 लगी हुई थी, उसका उल्लंघन के रूप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। 4 धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है और 32 नामजद सहित करीब 800 से 900 लोग इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें जो शिव विधायक है नई दिल्ली प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी, उनका नाम शामिल है, जिसमें इस जांच जो है वो CIDCB को सौंपी गई है। पचपदरा SHO अमराराम चौधरी के द्वारा ये मामला दर्ज किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमदान, तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर।